हे गाइस, आज मेरा बेबी जो है 6 मंथ का हो चुका है और मुझे अभी कुछ उसे सॉलिड देना पड़ता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उसे मखाने की खीर। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे मखाने की खीर बनाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बटर ली हूँ, इसमें थोड़े डाल रही हूँ मखाने, और मखानों के साथ साथ मैं डाल रही हूँ 2 बादाम और 3 काजू। अब ये मैं थोड़ा देर ठंडा करके इसे मैं अच्छे से इस पर ग्राइंड। आप देख सकते हो, अब मैं इसमें स्वीट के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो मीठा होना चाहिए, इसके लिए मैं इसमें शक्कर यूज़ नहीं करती, मैं इस पर गुड़ डालती हूँ। तो मेरे पास है ये जैगरी पाउडर, जो कि थोड़ा सा कम मीठा होता है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। से हल्की मिठास आ जाएगी और हेल्दी भी होता है वैसे भी गुड़। तो आप गुड़ भी डाल सकते हो और चाहो तो आप डेट्स भी डाल सकते हो। मैं किसी किसी दिन डेट्स डालती हूँ, लेकिन आज मैंने गुड़ से बनाया है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है बेबी को खाने में और हेल्दी भी होता है। तो शुगर की जगह मैं गुड़ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आप देख सकते हो एक अच्छी सी प्यूरी टाइप की बन गई है। तो ये मखाने की खीर है, आप भी बनाओ, बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी होती है मखाने की खीर बेबी के लिए। तो आप भी ये बेबी के लिए बनाओ। और मेरा बेबी अभी 6 मंथ का है, तो मैं उसे ऐसे ही कुछ अलग अलग रेसिपी ट्राई करती हूँ। और अभी मैं तो ये हमारे बेबी के लिए बहुत ही अच्छी सी खीर बन गई है जो मखाने की है। तो आप भी बनाइए, और जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और मैं अलग अलग रेसिपी लाती रहूँगी। तो बेबी को कैसे क्या फूड देती हूँ मैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। और मैं ये अपने बेबी को अब जा रही हूँ खिलाने, वो बहुत ही इंजॉय करता है इसको। ये